अरे माय गॉड, मेरी रोटियां इतनी अच्छी बनती थी कि घर वाले लड़ते थे कि शिफाली ही रोटी बनाएगी, और उसमें क्या होता था, मैंने बोल दिया मैं रोटी बनाऊंगी और कोई काम नहीं करूंगी, तो मेरे लिए भी अच्छा था। गुजराती हूं ना तो अच्छे गोल गोल गुजराती फुलके बनाती थी। लेकिन कैमरा एंगल होता था, फुलका फूल रहा है और उधर से पहना पहना और बहुत मजा आया। मुझे लगता है कि मुझे बीबी डोमेस्टिकेटेड सर्टिफिकेट मिल गया है, अब मैं बर्तन मांग सकती हूँ, मैं कपड़े धो सकती हूँ, मैं झाड़ू लगा सकती हूँ, थोड़ा बहुत खाना भी बना सकती हूँ, मैं पूरा डोमेस्टिकेट हो चुकी हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि हमें पूरी सिंपैथी थी उनके साथ। अब एंड एंड में तबीयत ठीक भी हो गई, फिर भी वो लिबर्टी ले लेते थे कि यार मेरी तो तबीयत ख़राब है, हम कहते थे चलो कोई नहीं तुम रेस्ट करो हम कर लेंगे। मुझे नहीं लगता फेवरिज्म है, आप जो अपना व्यक्तित्व दिखाते हो वही लोगों को बाहर दिखता है। और फैन फॉलोइंग इस बार आई थिंक हाईएस्ट रेटेड सीज़न रहा है, और सभी घर वालों की बहुत ही स्ट्रांग फैन फॉलोइंग रही है। तो क्या होता है, एक वीक आप हीरो दिखते हो, एक वीक आप विलन दिखते हो, क्योंकि घर के डायनामिक्स चेंज होते रहते हैं, तो कभी कभी आपको लगता है कि बायसनेस हो रही है, बट ऐसा नहीं है। सी आई थिंक वेरी स्ट्रांगली सिद्धार्थ और आसिम टॉप थ्री में तो हैं। आरती मुझे लगती है साथ में। इनको आजकल मुझे भी लग रहा है आरती इज गोइंग वेरी स्ट्रांग, और आरती मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो मैं बिल्कुल चाहूंगी कि वो भी टॉप थ्री में आए। बट इट विल आइदर बी आरती और शहनाज। रश्मि बहुत अच्छी प्लेयर है। या बट आई थिंक आरती और शहनाज। आरती जाने वाली है। आरती और शहनाज। डन। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, एंजॉय योरसेल्फ्स।